क्वांटिटेटिव टेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती है हेपेटाइटिस सी में। क्वालिटेटिव टेस्ट कराओ, अगर वो डिटेक्टिव आता है तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर वो डिटेक्टिव नहीं आता तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। सिंपल फॉर्मूला है। किसी औरत को हेपेटाइटिस सी हो तो वो हम बिस्तरी कर जी सकती बिल्कुल कर है या सकती है, मैंने नहीं, बता दिए वो तफसील से पेन बता कर सकती सकती। है। मेरे ओके अच्छा राइट पसली के नीचे बहुत पेन था और कलर भी चेंज हो रहा था, इसका जी, पॉजिटिव आया है क्विकली क्विकली बताना है। एनटीएससी पॉजिटिव आया है। एनटीएससी पॉजिटिव आया, कोई परेशानी की बात नहीं। ये कि हेपेटाइटिस सी पेशेंट अगर मेल हो तो क्या शादी के बाद हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर शाहिद और आपको डॉक्टर शाहिद पब्लिक हेल्थ की मैं वार्म वार्म वेलकम कहते हैं। बेसिकली आज जो हमारा मकसद है वो है एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखना, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई है जिसका टाइटल है क्या हेपेटाइटिस बी और सी शोहर या बीवी को लग सकता है, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और सीरियस कमेंट्स है जिनका हल ढूंढना बहुत जरूरी है। इसीलिए हर एक को कमेंट जितने भी लोगों ने किए है उनको आंसर देना बड़ा मुश्किल हो रहा था हमें, तो स्पेशली मैंने एक सेशन रखा ताकि जितने लोगों ने क्वेश्चंस किए है लास्ट वीडियो पे, और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया है, क्योंकि हमने लास्ट इस मंथ में नवंबर के मंथ में हमने एक ऑनलाइन सेशन रखा था, ऑनलाइन हमने एक कॉल्स के लिए रखा था, फ्री कंसल्टेशन थी, तो बहुत सारे लोगों ने हेपेटाइटिस के हवाले से भी कमेंट्स किए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब मैं ओपीडी कर रहा होता तो वहां पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे होते हैं जो कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो आज हमने सोचा कि एक सेशन रखा जाए और इसमें जितने भी लोगों ने सीरियस क्वेश्चन पूछे है ऐसे क्वेश्चन है जिनका हल ढूंढना हर एक के लिए बहुत जरूरी होता है। चूंकि आप लोग पता जो काला था जिसको आम जुबान में कहते हैं, ये एक ऐसा इशू है जो कि पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है और काफी लोग इससे मुतासिर है, स्पेशली अगर बल्क शहरों की बात करें कराची लाहौर पिशावर और क्वेटा में बहुत ज्यादा पेशेंट्स जो काफी ज्यादा जो हमें कमेंट में रिस्पॉन्स मिला है या व्हाट्सएप पर लोगों ने रहा इन बड़े शहरों में से थे और गाय में भी आपको केसेस आने लगे हैं, तो इसीलिए सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी लोगों को कालर खान है या घर में है और वो इस तरीके से क्वेश्चंस का हल ढूंढना चाहते हैं तो रابطे कर सकते हैं, या इस तरीके से वीडियोस जो हम बना रहे जिन पे हम रिसर्च करके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर दे रहे होते हैं इस तरीके से वीडियोज पे, तो आज हमने ये सेशन रखा है और स्पेशली आज हमारे साथ डॉक्टर शिराज मशवानी जो कि बकाई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है वो मौजूद है और वो वन बाय वन क्वेश्चंस पूछेंगे जितने भी लोगों ने कमेंट्स किए, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन कराते हैं डॉक्टर शिराज मशवानी जी। डॉक्टर शिराज व्यूअर्स, मेरा नाम डॉक्टर शिराज मशवानी है और मैं बकाई से ग्रेजुएटेड हूँ, बकाई यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। हमारे पास जो सबसे पहले कमेंट है वो है खान अफसर खान कैप्टन का जी। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे अंदेशे दूर कर दिए, अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन जी। थैंक यू वेरी मच जी। कितनी बता रहे हैं कि उसके बाद है हसनैन शाह जी, उन्होंने कहा माशाल्लाह नाइस मैसेज। और उसके बाद कोई भाई है हमारे पास, उनका अजीब सा नाम है फ्लूफाई के नाम से उनकी कोई आईडी है, बहुत अच्छे से बताया सर, मैं यू ऑलवेज बी बिलीव्ड। और मुजम्मिल तारिक साहब है हमारे पास, उन्होंने अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे और औलाद से दिल ठंडा करे। शुक्रिया, इतनी अच्छी मालूमात दी है आपने जी, जज़ाकअल्लाह। और वेल्ड लाइफ वर्ल्ड पाक टीवी वालों ने कहा है ग्रेट जी, थैंक यू। डॉक्टर सईद है, डॉक्टर साहब है, उन्होंने भी देखा है हमारा, देखी आपकी, उन्होंने कहा है गुड। थैंक यू डॉक्टर साहब। सलमान शाह ने कहा डॉक्टर सर मुझे हेपेटाइटिस सी हो गया है, अच्छा अब कैसे होगा ठीक, अभी टेस्ट कराया मैंने, वो कराया था, कहते हैं कि हेपेटाइटिस सी, और ये पूछ रहे कि परसेंटेज कितना है बॉडी में। अच्छा देखो, आप परसेंटेज के लिए आप पहली बात ये है कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि
हेपेटाइटिस सी का एंटीबॉडीज अगर स्क्रीनिंग टेस्ट आपका हो चुका है तो आपने पीसीआर क्वालिटेटिव कराना है, आरएनए एससीवी आरएनए पीसीआर क्वालिटेटिव। याद रखो क्वालिटेटिव हमारे पीसीआर के लिए जरूरी होता है, क्वांटिटेटिव की कोई जरूरत नहीं होती। आप ये याद रखें कि करोड़ों में आए या लाखों में आए। एक कमेंट के अलावा भी व्हाट्सएप पे भी एक पेशेंट ने रब्ता किया था डॉक्टर शिराज, उन्होंने भी यही कहा था कि मेरे कोई 5 करोड़ इसके कॉपीज मौजूद है वायरस के। तो मैं आप सबको ये क्लियर करा दूं कि क्वांटिटेटिव टेस्ट की कोई अहमियत नहीं होती है हेपेटाइटिस सी में। क्वालिटेटिव टेस्ट कराओ, अगर वो डिटेक्टिव आता है तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर वो डिटेक्टिव नहीं आता तो कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। सिंपल फॉर्मूला है, तो आप अपना जाए अपना एस सी बी आर एन ए बाई पी सी आर क्वालिटेटिव टेस्ट करवाए और फिर मुझसे आप रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक 1 मंथ के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन रखी है, तो आप रब्ता कर सकते हैं। जी नेक्स्ट कमेंट। ये सलमान शाह साहब जो है ना, ये बहुत अपसेट लग रहे हैं। अच्छा, उन्होंने इमोजी भी दिया हुआ है रोने वाला, तो जो आप जिसको भी आपने मालूमात दी ना, ठीक है। मैं सलमान शाह साहब को कहना चाहूंगा कि आप परेशान ना हो, डॉक्टर साहब से आप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छी मालूमात देंगे। अच्छा, उन्होंने आगे को कमेंट नहीं किया? नहीं, आगे कोई कमेंट। आप देखो मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर शिराज मशरानी भी चेक कर रहे थे कभी कभार कमेंट, तो वो जो भी आपका इशू होगा हम इंशाल्लाह क्लियर करके देंगे। जो भी आपका इशू है आप कमेंट करें या फिर व्हाट्सएप पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी आगे नेक्स्ट बताए, जल्दी जल्दी बताए। हमारे पास जानजेब, मेरा एड्रेस भी है डॉक्टर साहब, 2 मंथ से मुझे पता चला है। तो अगर 2 मंथ से है आपको अभी पता चला है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी है इसका, हेपेटाइटिस बी है, तो अगर हेपेटाइटिस बी आपको 2 मंथ से है अभी पता चला है, तो आप इन बातों को जहन में याद रखिए कि आपको कोई खून लगा हो किसी भी बीमारी के हवाले से, या फिर कोई डेंटल का काम करा हो, या फिर इस तरीके से सिरंजिस खुदा नखास यूज हुए हो, तो आप अगर 6 मंथ के अंदर अंदर कभी आपको इस तरीके से हुआ है तो फिर आप वेट कर लीजिएगा मजीद 4 मंथ्स का, और 4 मंथ्स के बाद आप अपना एच बी एस ए जी दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, क्योंकि 80-85% हेपेटाइटिस बी के जो मरीज होते हैं वो खुद ब खुद जिसम जो है ये वायरस में बॉडी से निकल जाता है, इसीलिए आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप फिर भी ज्यादा परेशान है कि मैं क्या करूं, तो आप जाके अपना पीसीआर कराएं। लेकिन हेपेटाइटिस बी के लिए याद रखें कि हमें एच बी वी डी एन ए क्वांटिटेटिव पीसीआर करना पड़ता है, ताकि हम इसमें कॉपीज देके, हेपेटाइटिस सी में ऐसा नहीं है लेकिन हेपेटाइटिस बी में कॉपीज की जरूरत बहुत ज्यादा अहमियत होती है, हमें कॉपीज को देख के ही जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होती है। तो आप जाके अपना टेस्ट करवाइएगा पीसीआर डीएनए एचबीवी डीएनए पीसीआर बाई पीसीआर क्वांटिटेटिव टेस्ट। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है जुनेरा, जुनेरा केसर, डॉक्टर साहब मुझे है बी यानी कि एच बी भी हो गया है। जी जी, क्या करूं मैं? अच्छा, अगर हेपेटाइटिस बी हो चुका है तो आपने स्क्रीनिंग टेस्ट करवाया होगा, एच बी एस ए जी का टेस्ट करवाएगा, तो आप अगेन वही बात है कि आप या तो वेट कर लीजिएगा कुछ डेज के लिए, कुछ मंथ्स के लिए। मैं स्पेशली कहूंगा कि आपके एच बी एस ए जी अभी पॉजिटिव आए है, तो आप अगर अफोर्डेबल है तो आप फौरन जाके अपना पीसीआर कराए, जो कि एच बी वी डी एन ए पीसीआर क्वांटिटेटिव जो पीसीआर है वो कराए, या फिर अगर आप अफोर्डेबल नहीं है, हॉस्पिटल दूर है, तो आप 4 मंथ्स का वेट करें, कोई इशू नहीं होता, आप वेट कर सकती है। और अगर फीमेल ने पूछा है ना, जी तो अगर फीमेल है तो आप वेट कर लीजिएगा और 4 मंथ्स के बाद दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। अगर एच बी एस ए जी नेगेटिव आता है तो आप सेफ है, कोई मसला नहीं, और अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो फिर आप जाके जरूर अपना किसी शहर में जाके आप अपना टेस्ट करा सकती है, एच बी वी डी एन ए बाई पी सी आर क्वांटिटेटिव। जी नेक्स्ट। नेक्स्ट है डायरेक्टर, डायरेक्टर डी रिएक्टर, मेरे राइट पसली के नीचे बहुत पेन था और कलर भी चेंज हो रहा था, इसका जी पॉजिटिव आया है, एंटीएससी बताना है, एंटीएससी पॉजिटिव आया, एंटीएससी पॉजिटिव आया, कोई परेशानी की बात नहीं, एंटीएससी की अगर पॉजिटिव आया स्क्रीन टेस्ट तो आप अगेन जो है
मैं ये कहूंगा कि आप कुछ मंथ्स के लिए वेट कर सकते हैं। कहाँ से है, इन्होंने कुछ अपनी जगह बताई है कि कहाँ से? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, तो अगर आप गांव में हैं तो वेट कर लीजिएगा, अगर आप शहर में हैं और आप अफोर्डेबल है तो मैं अब ये नहीं कहूंगा कि आप जाके अपना SCV RNA आप बाई PCR क्वालिटेटिव टेस्ट कराइएगा। अगर पॉजिटिव आते हैं तो ट्रीटमेंट की जरूरत है, अगर नेगेटिव आते हैं तो कोई परेशानी की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हेपेटाइटिस सी के होते हैं, अगर वो NTSCV पॉजिटिव आता है तो ज्यादातर लोगों का PCR पॉजिटिव आ जाता है। हेपेटाइटिस बी में ऐसा नहीं है, हेपेटाइटिस बी में जो है वो काफी लोगों का नेगेटिव भी आ जाता है। तो अपना PCR कराइएगा। जी नेक्स्ट नेक्स्ट है नासिर आलम, उन्होंने कहा हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल है, क्यों नहीं, ये ट्रीटमेंट बहुत आसान सी ट्रीटमेंट है। 2017 फेब में पहला जो है आगा खान में सेशन हुआ था जिसमें मैं भी मौजूद था उस वक्त, और ये स्टार्ट कर दिया गया था कि उस वक्त जो है क्योंकि इससे पहले इंजेक्शन लगते थे पेट में और 3 इंजेक्शन हफ्ते में होते थे या 1 इंजेक्शन हफ्ते में होता था, 6 मंथ का ट्रीटमेंट होता था, तो बहुत लंबा भी होता था, बहुत साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा थे, इसके अलावा बहुत कॉस्टली भी था। अभी बहुत आसान सी ट्रीटमेंट आ चुकी है और ऑरली ट्रीटमेंट है, बमुश्किल जो है 10,000 रुपीज भी पाकिस्तानी नहीं लगते, आसान से ट्रीटमेंट आ चुकी है, ट्रीटमेंट कोई साइड इफेक्ट भी ज्यादा नहीं है और 3 मंथ से लेकर सिर्फ 6 मंथ का ट्रीटमेंट है। ऑरली ट्रीटमेंट है, दिन में एक एक ही गोली खानी पड़ती है, बहुत ज्यादा आसान ट्रीटमेंट है, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आप परेशान है तो आप मुझसे जो है कंसल्टेशन फ्री ले सकती है इस मंथ। जी नेक्स्ट है हमारे पास मेन 4049 जी, बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि हर एक को होता है, लेकिन एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि कुछ लोगों को रीएक्टिवेशन हो जाती है और ये बहुत कम लोग होते हैं, 5 से 10% लोगों को रीएक्टिवेशन हो सकती है। वो भी कभी कभार ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो इनकॉम्प्लायंस होते हैं, यानी प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले पाते, बीच में मिस कर देते हैं दवाइयां, तो उन लोगों में ज्यादातर खतरा होता है कि रीएक्टिवेशन हो। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लिया जाए तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, हेपेटाइटिस बी के सी के वाले से कहा है ना? जी हेपेटाइटिस सी में आप एंटी आप देख सकते हैं SCV टेस्ट, और आगे मेरा नाम लिख दीजिएगा तो आपको YouTube में वीडियो आ जाएगी, वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कब कब आपने दोबारा टेस्ट करना है और ये दोबारा क्या पॉसिबल है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो आप वीडियो देख लीजिएगा तो आपके जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा उस वीडियो से। जी डॉक्टर श्रेयस आगे। अच्छा उसके बाद है कोई यूजर के नाम से आईडी है इनकी। अच्छा जी अच्छा। सर मेरे खावन को हेपेटाइटिस सी है तो इनके इलाज के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी है? जी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी हेपेटाइटिस सी का इलाज, आप वो वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको ट्रीटमेंट आसानी से मिल जाएगी, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। जी नेक्स्ट निमरा सजाद है, वो कहती है कि हेपेटाइटिस सी पेशेंट अगर मेल हो तो क्या शादी के बाद हम अच्छा जी बिल्कुल रह सकते हो, बिल्कुल रह सकते हैं, ज्यादातर लोगों का ये आंसर है, ये क्वेश्चन पूछा है। मैं यही कहूंगा कि भाई कुछ भी नहीं होता है, बहुत गलत अफवाह लोग फैला रहे होते हैं। मैं इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता हूँ, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपको 2-2, 3-3 साल से एंटीसेप्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने यानी फीमेल से मिल भी नहीं पा रहे हो, कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि ब्लड के जरिए ये हेपेटाइटिस सी लगता है और कोई जरिया नहीं होता इसके लगने का, वो चांसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा, 1000 में से किसी एक बंदे को होता है, वो भी कहीं ब्लड कॉन्टेक्ट में आ जाए, यानी कट कहीं ना कहीं पे लगा हो तो पॉसिबल है, अदरवाइज कोई परेशानी की जरूरत नहीं, आराम से आप मिल सकते हैं। मैं इसका एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कपल हमारे पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आए जिनका इस तरह के क्वेश्चंस थे, और हमने जब इनके कपल के टेस्ट करवाए, उन्होंने 10-10, 12-12 साल से उनके साथ में रह रहे थे, और जब हमने कपल का टेस्ट करवाया तो उनका नेगेटिव आया, और ये काफी लोगों का मैंने टेस्ट करवाया और मुझे 100% रिजल्ट मिला। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा मसला नहीं, आप आराम से उनके साथ रह सकते हैं। जी थैंक यू। आगे क्वेश्चन, पाकिस्तान 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 जी जी पाकिस्तान जिंदाबाद। ठीक थैंक यू। आगे मेरा NTSCV पॉजिटिव है। अच्छा बस यही
एनटीएससी पॉजिटिव है, जाए अपना पीसीआर कराए, मैंने वीडियो में शुरू में ही बता दिया जी। आई नेक्स्ट बताए, नेक्स्ट है हमारे पास यूजर WB2 मेरे हस्बैंड को भी प्लीज अपना नंबर दे, मैंने आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी जी। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन। 733 के नाम से है कुछ जी, और अगर किसी औरत को हेपेटाइटिस सी हो तो वो हम बिस्तरी कर सकते जी, बिल्कुल कर सकती है, मैंने बता दिया तफसील से, बता सकती जी बिल्कुल तफसील से, मैंने कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, चाहे मेल को हो तब भी कोई मसला नहीं, चाहे फीमेल को हो तब भी कोई मसला नहीं है जी। आगे मोहम्मद रफीक कहते हैं कि आप कहाँ पर होते हैं, प्लीज लेट मी जी। मैं सिंध गवर्नमेंट में मेडिकल ऑफिसर हूँ और कराची में मेरी रिहाइश है। तो चूंकि आप लोग काफी लोग ऐसे हैं जो कि गांव से रब्ता करते हैं या लाहौर से, या बहुत सारे लोगों ने लाहौर से रब्ता किया है, तो अगर आपको कोई सीरियस इशू है तो आप नजदीकी डॉक्टर से रब्ता कर सकते हैं, या फिर अगर कंसल्टेशन ऑनलाइन आप कर सकते हैं मुझसे। अभी तो इस महीने में फ्री ऑनलाइन कंसल्टेशन तो आप कर सकते हैं, या फिर ओला डॉक या मरहब में मौजूद होता हो तो आप भी आप इससे रब्ता कर सकते हैं जी। अच्छा, इसके बाद है रमजू कोको जी जी, नेक्स्ट बताइए। शुक्रिया सर जी, मैंने आपकी सारी वीडियो देखी है, लेकिन मुझे पीला अरकान है, मैं हूँ डेरा इस्माइल खान से, अगर डेरा इस्माइल खान में कोई अच्छा डॉक्टर है तो मुझे बताओ। आपको कोई इलाज मालूम है तो आप बता दो, या अपना नंबर मुझे सुन दो। अच्छा देखिए, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, मैं ये कहूंगा पीले इलाज के कोई खतरा नहीं होता है, ये 5 डेज में खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो इसमें कोई परेशानी की जरूरत नहीं। आपको अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। नेक्स्ट बताएं, मोहम्मद एमन है, नेक्स्ट प्लीज शेयर योर व्हाट्सएप जी, व्हाट्सएप नंबर मेरा शेयर किया हुआ है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं जी। उसके बाद है जर्रा खान जी, जल्दी बताएं जी, थैंक यू। नेक्स्ट आगे बस यही। अच्छा, और कमेंट्स में आगे पीछे करो है तो बता दे, ताकि फिर मैं इसको कंक्लूड कर जी। थैंक यू वेरी मच सब।